अध्यक्ष महोदय, आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी कृषि ने बहुत उन्नति की है, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो चुनौतियां हमारे सामने सिर उठाए खड़ी हैं। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम देखें कि हमारी कृषि विकसित हो और कृषि के विकास के लिए यह जरूरी है कि हम बहुत से दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान दें। ज्यादातर गेहूं के क्षेत्र में भारत के कई लोगों ने हरित क्रांति का विस्तार समझा। एक देश जो कभी गेहूं का आयात करता था, आज न केवल आत्मनिर्भर ही है बल्कि इसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं है। यही उपलब्धि हमें अन्य फसलों से भी प्राप्त करनी है। हरित क्रांति के लिए हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को श्रेय देते हैं, लेकिन अब संस्थान को यही उपलब्धि दूसरी फसलों के भी क्षेत्र में प्राप्त करनी होगी। आज गेहूं का आयात अधिक बढ़ गया है, क्या हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या हम योजनाबद्ध तरीके से कम पानी से अधिक और बेहतर उत्पादन
प्राप्त कर सकते हैं। यह कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिनके बारे में संस्था को आवश्यक रूप से विचार करना है। यहाँ इस बात पर भी विशेष रूप से विचार करना होगा कि हमने बहुत अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन तो किया है, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः आप इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट करें। स्टॉप।